हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय टुडेज व्लॉग। तो अभी का सीन ये है कि जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि मेरी सिस्टर आनी है दिल्ली से, तो सिस्टर आई, सिस्टर आ गई और अब हम जा रहे हैं कसौली। आज हमने प्रोग्राम बनाया कसौली जाने का, बस अब निकल रहे हैं कसौली। अभी टाइम हुआ है 9:36, तो 9:36 हुआ है, 1.5 घंटे का रास्ता, 1.5-2 घंटे का। अभी कैसे जा रहे हैं? 1.5 से 2 मिलते हैं आपको, मुझे ले, मुझे कह दो। क्या कहते हैं, रास्ते में एक्सप्लोर करते हुए चलते हैं चीजें। नहीं, ठीक है जी, वहां पहुंच के फिर आप लोगों से मिलते रहेंगे, बात करते हैं। चलो, कनेक्ट करते आपको अपडेट देते रहेंगे, कनेक्ट करते रहेंगे। चलिए फटाफट से निकलते हैं, जय माता। तो अभी वहां से हम निकल गए, घर से रास्ते में है, और रात को हम लोग बहुत लेट हो गए थे। एक्चुअली जो मेरी सिस्टर ने आना था दिल्ली से, वो रात को 12 बजे घर पहुंचे। तो पहले तो उन्होंने पहले तो वो नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक वगैरह, उसमें टाइम लग गया स्नैक्स में। उसके बाद फिर खाना खाते खाते हमें टाइम काफ़ी हो गया था, 1:30 बज गया था हमें खाना खाते खाते। उसके बाद सोने लगे, 2 बज गए, और सुबह 6 बजे का अलार्म लगा के सोए थे, 6 बजे उठ गए थे। और तब भी हम लोग लेट ही निकले क्योंकि बच्चे भी थे, सबको रेडी होना था, वो सब मस्ती मस्ती में लगे हुए थे, है ना। इस चक्कर में हम लेट हो गए थोड़ा सा। आज देखते हैं, बस आज तो जा रहे हैं वहां पे थोड़ा बहुत एंजॉय करके, फिर शाम तक वापस भी आना है क्योंकि कल फिर ऑफिस ज्वाइन करना है। 8 बजे का प्लान था, 8:30। 8 बजे का प्लान था, बट 9:30 बजे निकल रहे हैं, तो आगे का भी ठीक रहेगा। वैसे तो रश ज्यादा है नहीं वहां पे, मैंने भी देखा था, 1.5 घंटा, सॉरी, 1.25 घंटे, 2 घंटे लग रहे हैं। बाकी जैसे भी होगा आगे का आपको अपडेट देते हैं, और रास्ते में जो अच्छी अच्छी चीजें आएंगी आपको दिखाएंगे जब वो पहाड़ों में पहुंच जाएंगे। ठीक है जी, मिलते हैं फिर पहाड़ों में। ये रास्ता है शिमला का और ये है आगे पहाड़। ठीक, यहाँ वाला व्यू देखिए, इधर से हल्के हल्के भी दिख रहे थे पहाड़, आपको दिखेंगे अभी दोबारा, नहीं तो वो सामने देखिए। गाइज, यहाँ कसौली की पार्किंग में हम लोगों को एक फ्रेंड मिला है, निखिल नाम है उसका, उससे मिलवाते हैं आपको। तो ये है निखिल, ये इससे मेरा नाम निखिल है, मैं यहाँ कसौली में रहता हूँ, 7th क्लास में हूँ। और पापा का नाम जसवंत सिंह है। पापा क्या करते हैं? प्लम्बर का काम करते हैं और यहाँ पर काम करते हैं, यहाँ पे काम करते हैं। अच्छा, सफाई का। तो ये लड़का बचपन से मेहनत कर रहा है, ठीक है, मेहनती, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ। तो अभी हम जा रहे हैं मॉल रोड और यहाँ पे ऑफिसर मेस है कसौली का, ये इस नीचे रास्ता जा रहा है मेस की तरफ। ओ, मेस की तरफ चलो, ये मेस का, और ये जा रहा है मॉल रोड की तरफ, हेरिटेज मार्केट लिखा है। मेरा बंदर आओ चलो, फटाफट से पहुँचते हैं मार्केट। गाइज, अभी हम लोगों ने खाया है बन समोसा और अब जा रहे हैं आगे ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि भूख और भड़क गई है इससे, तो लोग भूखे हो गए हैं, भूख लग रही है, बहुत भूख लग रही है, जीजा जी खिला नहीं दे अभी तक, ब्रेड बटर हजम नहीं हुआ है, लेकिन नहीं, भूख लग रही है, भूख लग रही है। और दिस इज वेजिटेबल मैगी, 2 मिनट वाली मैगी बनती है 10 मिनट में। ये है हमारा व्यान, व्यान क्या है, व्यान क्लैपिंग क्लैपिंग, तो दोबारा से बोलेंगे दोबारा, इसको रख के, इसको सामने रखो, इसको सामने रखो, रोको रोको। अच्छा अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो, व्यान क्लैपिंग। लेकिन यार एंगल ये अच्छा आएगा उस फोटो में ना, अच्छा तो लगता है ना, बहुत बड़ा बैकग्राउंड आए। ट्राई कर लो, ये है कसौली का व्यू। चलो
मिस्सी एक मिनट रुकिए कर रहा हूँ, चलो ध्यान से ध्यान से। बच्चों को आज प्रैक्टिस होती है, बच्चे खाते रहते ना झूले। ये आया डोको दकाओ। गोरा मंदिर ये जो है वो बन जाएगा वॉलपेपर। अच्छा, दोनों का लेके देखो। ये ले तो गाइज हम लोग निकल गए हैं यहाँ से कसौली से वापस अपने घर के लिए, और ज़्यादा कुछ था नहीं एक्सप्लोर करने के लिए आज के दिन में, क्योंकि टाइम से घर पे पहुँचना था, इसलिए हम एक दो जगह ही गए और मॉल रोड घूमे थे। उसके बाद बस वापस के लिए निकले हैं, अब बस टाइम से पहुँच जाएंगे, फिर तो घर जाके चाय वाय पीते हैं और फिर देखते हैं आगे डिनर के लिए क्या करते हैं। डिनर के लिए भी कहीं बाहर जाएंगे आज। ठीक है जी, चलो अब फटाफट से अभी इनको गोलगप्पे खिलाएंगे, मिलते हैं आपको। हाँ, इनको पहले जयपुर पे सोनू स्वीट से गोलगप्पे खाने खिलाने हैं, तो मिलते हैं आपको सीधा सोनू स्वीट पे, है ना। चलो बाय बाय, वो देखो गाइस। तो अभी सीन ये कि हम लोग वहाँ से आ गए थे टाइम से, और हम लोगों ने खाए इवनिंग स्नैक्स, और फिर उसके बाद वैसे लोगों की बातें करते रहे, और मस्जिद की अब लगे हैं सोने, बिकॉज नींद पूरी हुई नहीं थी इसलिए थोड़ा जल्दी सो रहे हैं। और और मिलेंगे कल सुबह नए ब्लॉग में। गुड नाइट, टेक केयर, बाय।